आज बनाते हैं मेरा सबसे फेवरेट फिश करी, आलू फूलगोभी दिए माछे तरकारी। इसके लिए मैंने फिश को सबसे पहले नमक और हल्दी में मैरिनेट करके रखा था और अब मैं उन्हें शैलो फ्राई कर लूंगी। मैंने यहाँ पे भेटकी फिश का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कोई भी फिश ले सकते हैं। मच्छी फ्राई हो जाने के बाद उसे हम निकाल के रख देंगे और उसी सेम पैन में आलू और गोभी को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। जब वो भी हल्का फ्राई हो जाए तो उन्हें भी हम अलग रख देंगे। अब ग्रेवी के लिए तेल गरम करके उसमें सबसे पहले मैं डालूंगी तेज पत्ता, सूखी मिर्च और दो हरी इलायची के दाने। इन्हें भी थोड़ी देर सौटे कर लेंगे और जब मसालों से खुशबू आने लगे तो मैं इसमें डालूंगी जिंजर और उसके ऊपर हल्का सा जीरा पाउडर। अगर आप अदरक और जीरे का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरक का कच्चा स्मेल जाने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी और टमाटर के गल जाने के बाद इसमें जाएंगे सारे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा चीनी और थोड़ा सा हल्दी। इसमें ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ती है। मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें अपनी सब्जियां दोबारा डालूंगी और उन्हें भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर इसमें जरूरत के हिसाब से पानी और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। इसका ग्रेवी थोड़ा पतला रहता है, इसीलिए काफी पानी जाएगा। अब इसे हम कवर करके सब्जियां पूरी तरीके से गल जाने तक पकाएंगे। सब्जियों के पक जाने के बाद मैं इसमें दोबारा से फिश ऐड करूंगी और ऊपर से डालूंगी तोड़ी हुई हरी मिर्च। फिर सब चीजों को एक साथ सिमर करूंगी ताकि ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से फिश में अब्सॉर्ब हो जाए। परोसने से पहले ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ धनिया छिड़कूंगी और लीजिए, ये तैयार हो गया।